आज के वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूबॉर्न काफ की फीडिंग किस तरह की जाती है, काफ के जन्म के बाद उसकी किस तरह देखभाल की जाती है, यह हमने केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न काफ वाली वीडियो में पहले ही देख चुके हैं। काफ के जन्म के आधे से एक घंटे के अंदर अंदर गाय का फर्स्ट मिल्क यानी कोलोस्ट्रम मिल्क पिला देना चाहिए। कोलोस्ट्रम न्यूबॉर्न काफ के विकास व उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अति आवश्यक होता है। गाय का दूध पहले 3 से 4 दिन तक गाढ़ा ही रहता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। 3 से 4 दिन के बाद आप काफ को होल मिल्क पिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। काफ अगर गाय के टिट्स को अच्छे से सक नहीं कर पाता तो आप किसी छोटी बाल्टी, बर्तन या निप्पल से भी काफ को दूध पिला सकते हैं। दिन में कम से कम 2 बार काफ को दूध फीड करना चाहिए। गाय के काफ को उसके काफ के वजन का लगभग 10% जबकि भैंस के काफ को उसके वजन का लगभग 15% दूध फीड करना चाहिए। ज़्यादा दूध पिलाने से काफ को काफ सोर्स यानी दस्त भी लग सकते हैं। जन्म के दूसरे हफ्ते से काफ को ताज़ा पानी पिलाना स्टार्ट कर दें। काफ को कम से कम 6 से 10 हफ्ते तक लिक्विड मिल्क दें। काफ की आयु 1 महीना होने पर आप काफ स्टार्टर फीड भी उसे खिलाना स्टार्ट कर दें। काफ स्टार्टर फीड के बारे में हम अलग से वीडियो में डिटेल में बताएंगे। लगभग 4 महीने की आयु के बाद आप काफ को अच्छी क्वालिटी का फोडर और हे यानी तूड़ी देना स्टार्ट कर दें। समय समय पर काफ की ग्रोथ रेट बढ़ाने और बीमारियों से बचाने के लिए डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। काफ को आप मिनरल ब्लॉक्स भी दें ताकि वह उसे लिक यानी चाट ले, ताकि काफ के अंदर कोई मिनरल डेफिशिएंसी ना आए। गाय या भैंस का दूध पीना छोड़ने के बाद काफ के लिए पेल फीडिंग सिस्टम का अरेंजमेंट कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको फीडिंग सिस्टम समझ आ गया होगा।